शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 7 न्यूज चैनल, मैं हूं जुगल किशोर। वाराणसी में किसान न्याय मोर्चा 27 दिसंबर को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का किया गया शुभारंभ। वाराणसी में किसान न्याय मोर्चा के तत्वाधान में 27 दिसंबर दिन गुरुवार को अनिश्चितकालीन सत्याग्रह का शुभारंभ खेवसीपुर ग्राम में किया गया। किसान मोर्चा प्रदेश सचिव अशोक प्रजापति के द्वारा सत्याग्रह का शुभारंभ कराया गया। किसानों एवं सत्याग्रह को संबोधित करते हुए अशोक प्रजापति ने कहा कि हम गांधीवादी तरीके से अपनी मांग करेंगे। किसानों को बताया कि सत्याग्रह का अर्थ सत्य का आग्रह करना है। कहा कि जब तक भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार उचित प्रतिकर व पुनर्वास विस्थापन पैकेज का लाभ नहीं मिल जाता, तब तक सत्याग्रह जारी रहेगा। पालन करने के बाद किसान की जमीन पर आप आएंगे कब्जा करने के लिए। अनुसूची एक लागू है और अनुसूची दो लागू है, तो जब अनुसूची एक और दो का प्रावधान है तो उसके आप पालन करने के बाद ही आप किसान की जमीन पे आप कब्जा करने आएंगे, अन्यथा किसानों की प्रतिक्रिया का सामना आपको करना पड़ेगा। और अपनी लड़ाई हम सड़क से लेके संसद तक लड़ने का काम करेंगे। हम लोग इसके सत्याग्रह के बाद 29 तारीख को हम लोगों की जो मांग है उस मांग के अनुरूप, और हम लोगों पर जो महिलाओं पे यहाँ पे लाठी चार्ज हुआ, किसानों पर लाठी चार्ज हुआ, उस लाठी चार्ज के विरोध में 29 तारीख को कर्पूरी ठाकुर पार्क में हम लोग कचहरी जिला मुख्यालय पे काला दिवस के रूप में मनाएंगे। आप लोग चलने के लिए तैयार है ना? हम लोग भारी संख्या में चलेंगे और काला दिवस मना के अपना विरोध प्रकट करेंगे कि हम लोग किसानों के साथ, माननीय मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में किसानों के साथ यह अन्याय किया जा रहा है और इस अन्याय का हम लोग विरोध करेंगे, क्योंकि हम लोग न्याय की लड़ाई के लिए हम लोग आज सत्याग्रह पे बैठे हैं, सत्य का आग्रह कर रहे हैं। जो भी अधिकारी आएंगे हमारे यहाँ, हमारा सत्याग्रह के बैनर तले जो भी हमारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग आएंगे सत्याग्रह के बैनर तले, सत्याग्रही सबका स्वागत करेंगे और कहेंगे कि हमारी लड़ाई को आप लड़े। किसान न्याय मोर्चा के नेतृत्व में, महेंद्र यादव के नेतृत्व में, हमारे नेतृत्व में लड़ाई चल रहा है। जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां आना चाहेंगी किसान भाइयों का साथ देने के लिए, यह सत्याग्रह स्थल सभी का स्वागत करता है। ठीक है, इन्हीं चंद बातों के साथ मैं सत्याग्रहियों से कहूँगा कि हम मारेंगे नहीं पर मानेंगे भी नहीं, अपना हक लेकर रहेंगे। हम गांधीवादी तरीके से सत्याग्रह सत्य का आग्रह करेंगे। हमसे एक सत्याग्रही जिसकी जो लिमिटेड सीमा होती है कि मतलब हम प्रशासन पर किसी प्रकार का हिंसा नहीं करेंगे, उनको करना है तो हमारे ऊपर लाठी चार्ज करें, उनको मारना है तो मारे। हम लोग गांधीवादी तरीके से अपनी हम मांग करेंगे और इसी मांग के लिए हम लोग अपनी जो प्रशासनिक आधार पर जो भी बैठकें होंगी, जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी, उस कानूनी प्रक्रिया से हम अपनी मांग करेंगे और गांधीवादी तरीके से। और उन्हीं का एक नारा है कि हम मानेंगे नहीं ये, और फिर अपना हक लेके रहेंगे। इन्हीं चंद बातों के साथ हम किसी सत्याग्रहियों भाइयों आप लोग को यह शुभकामना देते हैं कि अपना सत्याग्रह, अनिश्चितकालीन सत्याग्रह आज से कुलसीपुर में स्टार्ट हो गया है और इसे तब तक हमें लड़ना है जब तक हमारे साथ न्याय न हो जाए। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद। न्याय दिलाने का काम किया, बारदौली में न्याय दिलाने का काम किया, भारत के कोने कोने में किसानों के आंदोलन का अलग जगाने का काम किया। मैं उनको नमन करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ भारतीय किसानों के नेता, अखंड राष्ट्र के निर्माता, भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर एक बार जोरदार ताली चाहते हैं। साथ ही आज के मंचासीन कार्यक्रम के साथ ही किसान न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक महेंद्र प्रसाद एडवोकेट साहब, डॉक्टर उमा शंकर यादव जी, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ विद्यापीठ अशोक प्रजापति, प्रदेश सचिव किसान न्याय मोर्चा राजेंद्र प्रसाद यादव जी,
पूर्वांचल के गांधी कहे जाते हैं। आपको भी धन्यवाद देता हूं किसान न्याय मोर्चा के युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल जी तथा तमाम साथियों, सरदार सेना के राष्ट्रीय सचिव कार्यालय प्रभारी सुधीर पटेल साहब, प्रदेश महासचिव सुरेश वर्मा जी, हमारे अभिन्न मित्र अजय पटेल साहब तथा तमाम नौजवान साथी, पिता कुलियों और माताओं बहनों, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। हमारे बीच में अमन जी हैं, आपको भी धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये कोई करने आए हैं, हम बात करते हैं किसानों की, हम बात करते हैं पिछड़ों की, दलितों की, कामेरों की, शोषितों की, वंचितों की, जो इस समाज में लगातार छले गए हैं, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। आज बनारस में लगातार ये पुलिस प्रशासन के द्वारा, सामंतवादियों के द्वारा किसानों के अधिकार को लगातार छीना जा रहा है। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ने का काम हमारे तमाम साथी लगातार कर रहे हैं, लेकिन एक बात को जानना पड़ेगा, परेशानी आपकी है तो लड़ना आपको पड़ेगा, कदम आपको बढ़ाना पड़ेगा, सामने आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपकी जमीन जाती है, आपकी जायदाद जाती है, आपके साथ अत्याचार होता है, जुल्म आप पे ढाया जाता है, तो ढाल आपको बनना पड़ेगा, लड़ाई आपको लड़ना पड़ेगा। दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे, आवाज आपका बुलंद करेंगे, लेकिन खून आपका गर्म होगा, भविष्य आपकी बनेगी, पैसे आपको मिलेंगे, तो लड़ना आपको पड़ेगा। साथियों, इसीलिए मैं कहता हूं कि सरदार की कहानी याद आनी चाहिए। आज 100 साल पहले की बात बताता हूं, 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों के फसल पर महामारी आ गई थी, पूरे फसल बर्बाद थे और टैक्स पे टैक्स अंग्रेज सरकार बढ़ाती रही, अंग्रेजी हुकूमत के लोग बढ़ाते गए। तत्पश्चात किसानों ने लड़ने का काम किया, लोग फेलियर हो रहे थे, लोगों के मनोबल को अंग्रेजी हुकूमत दबाती जा रही थी, लेकिन चट्टान सा एक चेहरा, भारत का भाग्य विधाता वल्लभ भाई पटेल ने नेतृत्व किया और अंग्रेजों को झुकना पड़ा। पहली आंदोलन इस देश की, सबसे बड़ी किसान आंदोलन खेड़ा आंदोलन स्थापित। आपके सहयोग के लिए तन मन धन और जरूरत पड़ी तो गन के साथ खड़ा है, लड़ता रहेगा। कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कोई बात नहीं, थैंक यू आपको। तो साथियों, कुल मिला के बस इतना है कि आपको आज तैयार होना पड़ेगा कि आपका जो रेट है, जो आपके मूल्य है, जो आपके जो आपको मुआवजा है, वो कम से कम आपका 4 गुना है, वो 4 गुना मिलना है, लेकिन वो 4 गुना तमाम कानून है उसमें वर्तमान, इतना नहीं कि जो मालियत रेट है उससे 4 गुना। आपके अगल बगल में आज जब घोषणा हुआ आपके अधिग्रहण का, सबके वर्तमान मार्केट रेट का 4 गुना चाहिए। आपके घर से आपके किसानों को सरकारी नौकरी भी चाहिए। आपके तमाम नियम है, ये साथी बताएंगे, उसमें तमाम नियम है, वो सब चाहिए। बिना वो लिए अपने जमीन का 1 इंच जाने मत देना, 1 इंच जाने मत देना। साथियों, 29 दिसंबर को काला दिवस मनाया जाएगा कचहरी पर, वहां किसान उपस्थित रहेंगे, तो आप तमाम साथी भी वहां पहुंचे। आप सबने हमें सुना, बस इतना कहूंगा, बस इतना कहूंगा कि आपको लड़ना है, आपको डरना नहीं। जो डर गया वो मर गया और जो लड़ गया वो लीडर बन गया।
चुप पानी पियो।